हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज है 31 दिसंबर 2021, जो कि आखिरी दिन है साल का। यहाँ से 2021 ख़त्म हो जाएगा। और आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम ज़्यादा कुछ बोलने नहीं वाले, बस हमारे फ्यूचर सेल्फ को कुछ मैसेज देने वाले हैं। मैं मेरे फ्यूचर सेल्फ को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, और आप सब भी मेरे पीछे दोहराइए और अपने फ्यूचर सेल्फ को ये मैसेज दे दीजिए। मतलब उसमें से जो मेन मैसेज है, मतलब आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ आती है हमारी ज़िंदगियों में, वो है आजकल के हिसाब से फिज़िकल फिटनेस। फिटनेस पे अपनी ध्यान दो, अपनी फिटनेस का ख्याल रखो, अपनी बॉडी का ख्याल रखो। क्योंकि आज के इस वक्त में जहाँ इतनी सारी बीमारियाँ हैं, वहाँ हमें फिट होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और इतने पोल्यूशन में, इतने वायरसेस, इतने इतने जीव जंतुओं के बीच हमें सरवाइव करने के लिए अच्छी इम्यूनिटी, अच्छी बॉडी की ज़रूरत होगी। और अच्छी बॉडी अच्छी मेंटल हेल्थ को रास्ता होती है, और उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे दूसरी बात, सबसे अच्छा रहो, सबसे अच्छा सलूक करो, हम्बल रहो, लोगों से प्यार से बात करो, एक दूसरे से मिलजुल कर रहो। क्योंकि हमें नहीं पता आजकल के हिसाब से कि कब हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, और क्या पता आजकल वक्त का कोई भरोसा नहीं है। तो जितना वक्त हो इस दुनिया में, अच्छे से रहो, अच्छी बातें करो अच्छे लोगों को, और क्या ही जाता है, थोड़ी बातों से अगर किसी को खुशी मिलती है, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से अगर किसी को खुशी मिलती है, तो हमारा क्या ही नुकसान हो जाएगा इतना बड़ा। और अगली चीज़ जो सबसे है, वो है कि अपने आप पर ध्यान दो, खुद को वक्त दो, खुद से प्यार करो, खुद को अच्छा बनाओ, खुद के लिए वक्त निकालो और खुद का ख्याल रखो। क्योंकि इसी से हम आप खुद को अच्छा महसूस करा पाएंगे। और अगली जो बात है, वो है अपनी पिछली गलतियों से सीखो। क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम गलतियाँ करके सीखें। तो सबक जो हैं, उन्हें अपनी एक लेसन की तरह लो, और उसे अपनी आगे आने वाले एक्सपीरियंसेस में इस्तेमाल करो, और ख़ुद को महफूज रखो, गलतियाँ दोहराओ मत। वो जॉन अली एलिया साहब का एक शेर है, जो कि एक मशहूर पोएट हैं। वो कहते हैं कि कौन सीखता है बातों से, हादसा सबको एक ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हादसा सबको एक ज़रूरी है, लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि उस हादसे के आने से पहले अपने इस हादसे को एक्सपीरियंस की तरह लो, और अगले आने वाली उसी मुसीबत को जो सेम गलती की वजह से होगी, उसे आप टाल सकते हैं। जो कि है सीखना और गलती न दोहराना। और अगली बात जो है, मैं ख़ुद को भी बोलना चाहूँगा और सभी को ये प्रण लेने के लिए कहूँगा कि खुद भी ये संकल्प लें। और मैं ख़ुद को कहूँगा कि हार मत मान, तू जहाँ है वो शायद अब तुझे लग रहा हो कि वो तू डिज़र्व नहीं करता या तेरे लायक नहीं, पर जहाँ तू है वहाँ लोग नहीं पहुँच पाए। और अगर तू दूसरों को देख रहा है, दूसरों से कंपेयर कर रहा है, तो मत कर। अपनी कहानी अलग लिख, अपनी दास्तान अलग लिख। बहुत ही मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और पोएट हैं ज़ाकिर खान,
वो कहते हैं कि चुप रह, कुछ ना कह, जब कर लोगे तब बताना। अपनी कहानी, अपनी दास्तान, सबको तब सुन सुनाना। वो कहते हैं कि कुछ काम करने से पहले सबको मत बताओ, चुप रहो, काम करते जाओ, अपने गोल्स, अपनी मेहनत, जहाँ आप कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में भी कर रहे हैं, वो करते जाओ। और जब वह पा लोगे, वो मुकाम पा लोगे, तब सबको बताना। तो यह है अगली बात। तो मैं अपने आप को भी बोलूँगा और सबसे भी बोलूँगा कि इस बात को सीरियसली लें, और अगला साल आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया हो और खुशी भरा हो। आप सब लोग इतने दुखों के बाद सुख आपकी ज़िंदगी में आए और आपके नसीब में कामयाबी लिखी हो। मैं आशा करता हूँ यह साल आपके लिए खुशियाँ और दिल खुशी का मंजर लेके आए। तो साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले साल नई वीडियो के साथ, नई सोच के साथ और नई जिंदगी के साथ, नई शुरुआत के साथ। साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।